जश्न में यूं खुलेआम सड़क पर फायरिंग करना इस शख्स को भारी पड़ गया। यही वजह है कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है। शायद इसने भी नहीं सोचा था कि फायरिंग के चक्कर में जेल हो जाएगी। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के सिविलाइन थाना इलाके का है, जहां सर्कुलर रोड पर कुछ लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान हाथ में पिस्टल लिए इस शख्स ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और कुल दो आरोपियों को धर दबोचा। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रात के समय कुछ लड़के फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सर्कुलर रोड का बताया जा रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सिविलाइन पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। इसमें वीडियो के आधार पर दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में कई और चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पुलिस उनकी भूमिका का पता कर रही है, उसी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। वैसे पिस्टल या तमंचे से खुलेआम फायरिंग करने का मुजफ्फरनगर का ये पहला मामला नहीं, बल्कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ लोग तो इससे पहले भी बंदूक, तमंचा और मस्कट के साथ अपनी फोटो वायरल कर चुके हैं, मगर जैसे ही फोटो वायरल होती है पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है, मगर उसके बाद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।